और यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक विवादित बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने यह कह दिया कि किसी के सामने हाथ फैलाने से देश नहीं बनेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश को हर वक्त अंदर से खतरा है, हिंदू मुस्लिम में डर पैदा किया जा रहा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान या चीन से नहीं बल्कि डर धर्मों की लड़ाई से है। तो एक बड़ा बयान, एक विवादित बयान एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के सामने आया, जिन्होंने कहा कि किसी के सामने हाथ फैलाने से देश नहीं बन पाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश को हर वक्त अंदर से खतरा महसूस होता है, हिंदू मुस्लिम में डर पैदा किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान या फिर चीन से नहीं, डर धर्मों की लड़ाई से है। तो आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएनजीए में संबोधन है, उससे पहले एक बड़ा बयान सामने आया नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का। प्रधानमंत्री गए, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो सबसे बात कर रहे होंगे और बिडेन से भी बात कर रहे होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवाद सारी दुनिया को खाने लगा है। आतंकवाद शुरू किसने किया? इराक पे हमला किसने किया? आज सीरिया को देखिए, कौन कर रहा है? मुझे बताइए, लीबिया में क्या हुआ? किसने बम डाले जबकि यूनाइटेड नेशंस ने कहा था नहीं करो? तो आतंकवादी देश कौन है पहले मुझे ये बताइए, जिन्होंने अनस्टेबलाइज किया मुल्कों को। हमें अपने देश की अपनी खुद, हमें इसके बजाय कि अमेरिका के पास जाएं और उसे कहें हमें मदद करें, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हम लोग 1.3 बिलियन लोग हैं, माहौल नहीं है। चीन के बाद हमारी सबसे बड़ी आबादी है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, तभी हम इस देश को बचा सकेंगे। हमने किसी के सामने हाथ नहीं, जब तक हम किसी के सामने हाथ फैलाएंगे तो ये देश नहीं बनेगा। और कश्मीरी एक्टिविस्ट माजिद हैदरी मेरे साथ है, साथ ही साथ जी न्यूज संवाददाता अभ्रम प्रकाश दुबे मेरे साथ है। माजिद हैदरी साहब, प्रधानमंत्री का संबोधन, उससे पहले एक बड़ा विवादित बयान फारूक अब्दुल्ला का, आपकी पहली प्रतिक्रिया, किसी के सामने हाथ फैलाने से देश नहीं बनेगा। अब्दुल्ला ने कहा देश को हर वक्त अंदर से खतरा महसूस होता है, उस पर क्या कहेंगे आप हैदरी साहब? देखिए मैडम, ना तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता हूँ, ना मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस पसंद है, लेकिन अगर अच्छी बात दुश्मन भी करे तो उसकी सराहना करनी चाहिए। इसलिए मैं डॉक्टर फारूक साहब के बयान का बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। देखिए पिछले 6 वर्षों से एक अजीब सी सरकार हमारे देश में चल रही है कि पाकिस्तानी अदनान समी को पद्मश्री मिलेगा लेकिन माजिद हैदरी को आप शक की निगाह से देखेंगे। आप भारत के रहने वाले आसाम के मुसलमान को तो निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन आप अदनान समी को यहाँ पे जगह देंगे। आप सऊदी के मुसलमान से, सऊदी की सरकार से बड़े अच्छे हालात रखेंगे लेकिन देश के मुसलमान से बिगाड़ के रखेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भाजपा की पॉलिसी क्या है। बाहर के मुसलमान आपको बहुत पसंद है, उगर के मुसलमानों की परेशानी बहुत ज्यादा है भाजपा को, लेकिन आसाम में मुसलमान हैदरी साहब, आपका इस बयान से, इस विवादित बयान से माफ कीजिएगा, पूरा पूरा इत्तेफाक है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, मैं ठीक करना चाहूंगी आपने जिस बात के साथ शुरुआत की, इस बयान से आपका कितना इत्तेफाक है। सुशील पंडित मेरे साथ हैं। सुशील जी, फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा, और वो भी तब जब पीएम मोदी का शाम 6:30 बजे यूएनजीए में संबोधन है, कि देश को किसी के सामने हाथ फैलाने से देश नहीं बनेगा। अब्दुल्ला ने कहा कि देश को हर वक्त अंदर से खतरा है, हिंदू मुस्लिम में डर पैदा किया जा रहा है। इसके सांकेतिक मायने आप कैसे देखते हैं, वो भी तब जब देश की नजरें इस संबोधन पर, आज दुनिया की नजरें माफ कीजिएगा यूएनजीए के संबोधन पर ठहरी है। सुशील पंडित, ये फारूक अब्दुल्ला आदत से मजबूर हैं, उन्हें हमेशा अपनी अलग सुरताल में गाने की आदत है और बहुत बेसुरा गाते हैं। उनकी दिक्कत यही है कि वो कभी देश के साथ कदम मिलाकर चल नहीं पाए, और ये काम वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उनकी जो लॉयल्टी है, उनकी जो निष्ठा है, वो कहीं और है, उसे कहीं और से पोषण मिलता है। और कभी वो चीन से 370 वापस लेने की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि चूड़ियां नहीं पहन रखी है, आपके बाप का है क्या, वो उनके पास में वही रहेगा। तो इनका दर्द समझिए, कुत्ते की पूंछ आप कुछ महीनों नहीं, कुछ बरस भी अगर सुशील पंडित, फारूक अब्दुल्ला यानी कि अपनी आदत से लाचार है और अपनी फितरत के अनुसार एक और विवादित बयान, जिससे माजिद हैदरी साहब का इत्तेफाक होना लाजमी है। बहरहाल ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ है। ब्रह्म,
अमेरिका पाकिस्तान चीन से मत डरो, जो धर्मों की लड़ाई है उससे डरने की दरकार है, ये कहा गया अब्दुल्ला साहब की तरफ से। ब्रह्म निधि, देखिए फारूक अब्दुल्ला ऐसे वक्त बयान दे रहे हैं जब भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर यूएन की असेंबली को संबोधित करने वाले हैं और उससे पहले वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए भारत किसी देश के सामने हाथ नहीं फैला रहा है, ना ही भारत पहले भी कभी ऐसा करता रहा है, ना ही आगे करेगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह का बयान दिया है, अमेरिका के सामने हाथ मत फैलाओ, किस तरह का बयान है, ये क्या देश का अपमान नहीं है? दूसरी महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि देश के अंदर ही जो हो रहा है उससे डरने की बात है। कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला अपनी राजनीति के लिहाज से बयान दे रहे हैं, पहले भी वो इस तरह के बयान देते रहे हैं सुविधा के लिहाज से। वो दिल्ली में कुछ और बोलते हैं और जब श्रीनगर पहुंच जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। अभी भी फारूक अब्दुल्ला उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनके बयान अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से फारूक अब्दुल्ला ने उसी जुबान से जहर उगला है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।